कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के बीच ज्वालामुखी मंदिर में पुजारियों द्वारा हवन यज्ञ निरंतर किया जा रहा है। अमंगलकारी कोरोना से बचने के लिए पिछले 7 दिनों से हवन यज्ञ किया जा रहा है और ये न्यासी के आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। हवन में घी, गिलोय तथा अन्य सामग्रियों के अलावा आम की लकड़ी का प्रयोग हो रहा है। शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखा जा रहा है। हवन करने वाले आचार्य पुजारी सब 1 मीटर की दूरी पर आसन ग्रहण करे हुए हैं। पुजारी सौरभ शंभूभूषण दत्त ने बताया कि हवन यज्ञ का वैज्ञानिक आधार है और पुराणों में भी इसका लेख है। हवन में हर प्रकार के 94% जीवाणुओं का नाश होता है। पर्यावरण की शुद्धता व सेहत के लिए भी हवन लाभकारी होता है। बड़ी से बड़ी बीमारी या वायरस से बचाव के लिए हवन और यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। हवन की अग्नि से वातावरण भी शुद्ध होता है और मनुष्य को प्रभावित करने वाली शक्तियां यज्ञ की अग्नि में धुएं से समाप्त हो जाती है। विश्व कल्याणार्थ ये यज्ञ सफल हो इसकी कामना की जा रही है और जल्द ही पूरे विश्व को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से छुटकारा मिले। उन्होंने बताया कि मंदिर में निरंतर 3 पुजारी हवन यज्ञ व अनुष्ठान कर रहे हैं। मंदिर के कपाट बंद है और कर्मचारी निरंतर अपनी सफाई व्यवस्था बनाए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चकाचौंध है। जय माता दी। मंदिर श्री ज्वालामुखी में प्रशासनिक आदेशानुसार आज लगातार 7वां दिन से जो है पुजारी वर्ग हवन कर रहा है। हम समस्त पुजारी वर्ग माँ से आवाहन कर रहे हैं कि भगवती माँ इसमें कोरोना वायरस के जो महामारी है उससे पूरा संसार भुगत रहा है। हम समस्त पुजारी वर्ग महामारी से यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही मंगल कामना कर रहे हैं, महामारी जल्द से जल्द कोरोना वायरस का जो है खात्मा करे और पूरे समस्त विश्व का जो है कल्याण करे। जय माता दी। श्री ज्वालामुखी शक्तिपीठ पर श्री ज्वालामुखी परम कृपा सब पर बनी रहे। श्री ज्वालामुखी का परम आशीर्वाद सब भक्तों को। 1 अप्रैल से श्री ज्वालामुखी शक्तिपीठ समस्त पुजारी जनों के द्वारा वैश्विक व्याप्त समस्त संक्रमण एवं महामारी जो भी कोरोना के द्वारा पूरे संसार में फैली हुई है उसके विनाश के लिए समस्त पुजारी जन श्री ज्वालामुखी जी के तीर्थ पुरोहित सब मिलजुल करके माता जी की प्रसन्नता के लिए महामारी के विनाश के लिए यज्ञ आहुति हवन कर रहे हैं। और चूंकि वेदों और शास्त्रों में ही प्राचीन काल से ही बड़ी से बड़ी बीमारियों महामारियों का विनाश करने के लिए यज्ञों का प्रावधान मिलता है, इसीलिए उस प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए उस योजना को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी मिलजुल करके सारे विश्व के कल्याण के लिए इस महामारी के विनाश के लिए यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं।